फॉर योर पेशेंस. आई नो बहुत दिनों बाद मैंने एपिसोड अपलोड किया है. मुझे मौका नहीं मिल पाया कि मैं कोई वीडियो बना पाऊँ, रिकॉर्ड कर पाऊँ. बट टुडे आई एम योर विद द एपिसोड नंबर 14. मैंने एक एपिसोड अपलोड किया था, एपिसोड नंबर 5, पिछल पेरी. उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड आया, बट मुझे कंप्लेंट्स भी आई. सो टुडे आई डिसाइडेड टू रीमेक अ वीडियो बेस्ड ऑन एपिसोड 5, पिछल पेरी. चुड़ैल का जिक्र हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. हर रीजन में चुड़ैल का अलग नाम होता है. इंडिया पाकिस्तान में चुड़ैल, चुड़ैल परी, आत्मा या पिछल पैरी के नाम से जाना जाता है. द चुड़ैल इज नोन एज द पिछल पैरी इन पंजाब रीजन. इसे पंजाब में पिछल पैरी के नाम से काफ़ी मशहूर कर दिया है. बांग्लादेश में इस मखलूक को पेटनी या शकचुन्नी कहा जाता है, और इस्लाम के हिसाब से ये एक बहुत डेंजरस इफ्रेता है, ए फीमेल वर्जन ऑफ नापाक जिन्नी. अकॉर्डिंग टू इंडिया एंड पाकिस्तान, पिछल पैरी एक सुपर नेचुरल मखलूक है, जिसे आम भाषा में चुड़ैल या चुड़ैल भी कहा जाता है, जो ज़्यादातर सेंट्रल एंड साउथ एशिया में मशहूर है. पिछल पैरी यूजुअली फीमेल होती है, जिनके बाल काले होते हैं, लंबे होते हैं, मुंह बालों से ढका होता है और पैर उल्टे होते हैं पीछे की तरफ. इन मखलूकों को पहाड़ियों पर देखा गया है, एंड अकॉर्डिंग टू देम हिमालयस पे उनका ज़्यादातर बसेरा है. मोस्टली विलेजर्स के भी ओकेशनली एनकाउंटर्स हुए हैं इस मखलूक से. इसीलिए नॉर्थ इंडिया जैसे पंजाब, बिहार, यूपी, बंगाल, इवन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में लोग ज़्यादा सुपरस्टिशियस है. उनका ये मानना है कि पिछल पैरी का एक अपना रीजन होता है, वहाँ सिर्फ उनका अपना बसेरा होता है, इंसानी मखलूक का वहाँ आना जाना मना है. वो रातों को झाड़ियों पे होती है, इसीलिए उस मखलूक को झाड़ी मखलूक भी कहा जाता है. इंग्लिश में ए ट्री स्पिरिट कहते हैं. पिछल पैरी काफ़ी बदसूरत सिया होती है, लेकिन खुद को खूबसूरत औरत में तब्दील कर सकती है. टू टारगेट अ वीक वल्नरेबल मैन. जो मर्द डिस्टर्ब्ड होता है मेंटली या फिर उसका ईमान कमज़ोर होता है, ऐसे मर्दों को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेती है, अपनी खूबसूरती का झांसा देकर अपनी दुनिया में ले जाती है. पुराने वक्त में एक जानकार आदमी ने इस मखलूक का जिक्र करते हुए ये कहा, अकॉर्डिंग टू हिम जो औरत बच्चे को जन्म देते वक्त या प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती है या उनके इन लॉस के हाथ से उसकी हत्या हो जाती है, तब वो वापस आती है पिछल पैरी या चुड़ैल के रूप में उनसे रिवेंज लेने. एंड पर्टिकुलरली वो उन्हीं के घर के मेल्स को टारगेट करती है जब तक उसका रिवेंज पूरा नहीं हो जाता. और इस मखलूक के बारे में ये भी कहा जाता है, पुराने ज़माने में जो औरत झाड़ू टोने में मुब्तिला हो जाती थी, उस औरत को गाँव में जला दिया जाता या मार दिया जाता था. मरने के बाद एक पिछल पैरी का रूप धारण कर लेती थी और फिर एक पिछल पैरी के रूप में वापस आती अपना रिवेंज लेने. इस्लाम में भी इस मखलूक का जिक्र है इफ्रिदा के नाम से. इंसान के साथ जिस्मानी ताल्लुक मीन्स शारीरिक संबंध रखने की ताकत रखती है और इंसान को अपनी दुनिया में ले जाने की भी ताकत रखती है. इस दुनिया में ये सिर्फ गलत कामों के लिए काम आती है. ब्लैक मैजिक, जादू टोना या इंसान को परेशान करने के लिए. ये एक ऐसी मखलूक है, अगर आप पर सवार हो जाए या जिस्मानी ताल्लुक से अटैच्ड हो जाए या आपको उससे औलाद हो जाए, आपको और आपकी औलाद को अपनी दुनिया में ले जा सकती है. उस औलाद को औलाद चक्र कहा जाता है. इंग्लिश में हाइब्रिड चाइल्ड के नाम से जाना जाता है. बट साइंस ये फिक्शन को डिनाई करता आ रहा है. नेम दिस फिक्शन एज ए माइथोलॉजी. ये सिर्फ इंसान की साइकोलॉजी है, रियलिटी नहीं. बॉलीवुड में दो मूवीज ऐसी हैं जो इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से रिलेट करती हैं, परी दूसरी स्त्री. आप ये दोनों मूवीज़ ज़रूर देखिए और कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए
अगर ये मूवीज रिलेट करती हैं मेरी स्टोरीज से तो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और नाइट्स विद रहनुमा आरिफ। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट, शब्बा खैर।